तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़मैन चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम बात करते हैं मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे काफी परेशान हो गए हैं, उन्हें अलग अलग नंबर से कॉल कर काफी परेशान किया जाता है। उन्होंने क्या कुछ बोला आप वीडियो खुद देख लीजिए। दोस्तों मैं जब से यूट्यूबर बना हूँ मैंने अभी तक 10 बार से भी ज्यादा अपने नंबर को चेंज कर लिया है, और ये दोस्तों मैं नंबर लीक से काफी ज्यादा परेशान हूँ पिछले 2-4 सालों से। आप बोल सकते हो क्या जो होता है पता नहीं, मतलब जैसे नंबर लिया ठीक है, फ्रेंड सर्कल देता हूँ, रिलेटिव्स में देता हूँ, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के पास हमारा मेरा नंबर रहता है ठीक है। अब वो क्या करता है कि कोई उसको दे दिया फिर वो उसको दे दिया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस स्टोरी को देख रहे हो, कोई यूट्यूबर के पास भी अगर मेरा नंबर है तो प्लीज़ मेरे विदाउट परमिशन, अगर मैं नहीं बोलता हूँ जब तक आप मेरे से पूछो नहीं तब तक प्लीज़ नंबर मत दिया करो। कहाँ कहाँ से बहुत अननोन नंबर से कॉल आता है, मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, सो प्लीज़ समझा करो। देखिए वीडियो वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाने दे रहा है ये, देखिए हर बार ऐसा ही कर रहा है। आखिर कैसा कैसा इंसान है दुनिया में समझ सकते, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा रखा ना सुबह से। मान के चलते हैं चलिए नंबर मिल गया तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट हो रहा है इसको बताइए। देखिए दोस्तों हम बात करते हैं अगला अपडेट की, और हम बात करते हैं इल्विस यादव के बारे में। तो इल्विस यादव ने अपने फैंस को चैलेंज कर दिया है, वो चैलेंज क्या था आप खुद सुन लीजिए। मैं कह रहा हूँ मैंने 1,00,000 कमेंट मांगे पापा के ऊपर प्रैंक करने वाले, तो लग रहा हो जाएंगे। ऑब्वियसली यार मी भी हुए तो 1,50,000 भी हो सकते हैं भाई, 1,00,000 से कम है यार। नहीं भाई 1,00,000 कमेंट बहुत ज्यादा होते, 1,00,000 कमेंट पता कितने रहे, 1,50,000 कमेंट रहे भाइयों के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है पापा के ऊपर प्रैंक करना 1,50,000 कमेंट तो एक बंदा 50-50 कमेंट मार देना ठीक है गाइस। भाई पापा के साथ ऐसा प्रैंक करना इज नॉट गुड फॉर माय हेल्थ बाबा, नॉट गुड भाई। 1,00,000 कमेंट पूरे होते मेरे कान लाल हो गए यार। 2,00,000 में भी बात नहीं करेगी मैं, कुछ और बात चल रही पीछे। मैं 1,00,000 कमेंट कर दी तुमने ब्लॉग चैनल पर 3 घंटे के अंदर कर दिए। अब भाई कितनी पब्लिक हेट करती है, मेरे को मारना चाहते हो तुम सब भाई पापा प्रैंक कर। दोस्तों हम चलते हैं अगला अपडेट की, और अब हम बात करते हैं राउंड टू हेल के बारे में। तो राउंड टू हेल के सक्सेस स्टोरी के बारे में कल दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपा था, जिस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज देश भर के दैनिक जागरण में सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द राउंड टू हेल। तो भाई बढ़ते हैं अगला अपडेट की ओर। तो हम बात करते हैं मेक ऑफ जॉक्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि फाइनली 8 महीने के बाद उन्होंने अपना वीडियो जारी किया जिसका टाइटल था रेस्ट इन पीस, और इस वीडियो पे उन्हें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी पहुंचा। थैंक यू सो मच ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑल ओवर इंडिया, ब्लेस्ड टू हैव ए फैमिली लाइक यू गाइस, लॉट ऑफ लव। नेक्स्ट वीडियो रक्षाबंधन पर आ रही है, तैयार रहो शब। सो उन्होंने अगला वीडियो का भी अपडेट दे दिया कि रक्षाबंधन पे वीडियो आ रही है, सो वेट गाइस। तो फिलहाल हम अगला अपडेट पर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं KRK के बारे में। तो KRK ने एक ट्वीट किया कि एक बड़ा एक्ट्रेस उन्हें 15,00,000 रुपये का ऑफर दिया खुद को गाली दिलवाने के लिए। यार प्रमोशन के लिए लोग किस हद तक गुजर सकते हैं, 15,00,000 गाली दिलवाने के लिए ऑफर करते हैं यार। उन्होंने ट्वीट किया कि टुडे वन बिग एक्ट्रेस आस्क्ड मी टू उन्होंने ट्वीट किया कि टुडे वन बिग एक्ट्रेस आस्क्ड उन्होंने ट्वीट किया कि टुडे वन बिग एक्ट्रेस आस्क्ड मी टू अब्यूज्ड हर बैडली एंड सी ऑफर्ड मी 15,00,000 बट आई रेफ्यूज्ड। और तो और उन्होंने आगे भी ट्वीट किया कि इफ आई एम गेटिंग पेड फॉर सेइंग बैड अबाउट पीपल देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट एनी टैलेंट इज नॉट ए बैड टैलेंट, इवन पीपल आर रिक्वेस्टिंग टू गिव देम मोर डर्टी अब्यूजेस एंड दे आर रेडी टू पे मी more which I normally refuse. I am not talking here about film reviews. अब दोस्तों गाली दिलवा के भी खुद का पब्लिसिटी हो जाता है, ये तो हमें आइडिया पता चल गया। और तो उन्होंने ट्वीट कर पहले का एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया। उन्होंने लिखा फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा पेड मी टू से बैड अबाउट मनारा चोपड़ा इन 2014 व्हेन हर फिल्म जीद वाज रिलीजिंग। आई थॉट इट्स कोइंसिडेंस, अदरवाइज व्हाई विल पीपल पे मी फॉर सेइंग बैड अबाउट देम, बट सिंस देम सो मेनी पीपल हैव पेड मी फॉर सेइंग बैड अबाउट देम। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगला अपडेट की, और अब हम बात करते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो फाइनली हर्ष बेनीवाल का वीडियो 10 अगस्त को आ रही है, जिसका फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है, वीर वर्सेज ही रिटर्न्स। दोस्तों हम बात कर रहे थे कुछ फिल्मी अपडेट्स के बारे में। तो कल कियारा आडवाणी का बर्थडे था, जिसको लेकर कई सारे एक्टर एक्ट्रेस ने उन्हें विश किया, और उन्होंने अपने को स्टार विकी कौशल के साथ शूटिंग के सेट पर बर्थडे मनाया, जिसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया, आप खुद देख लीजिए। उसके बाद अनन्या पांडे ने भी ये फोटो शेयर करते हुए लिखी कि दिस इज द ओनली पिक्चर आई हैव ऑफ यू ऑन माई फोन, ए क्यूट वन ऑफ यू एंड ए गॉट।
और उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे जॉर्जियस गर्ल के आई, वनली एंड वनली लव फॉर यू, हैव द बेस्टेस्ट डे इवर। जिस पर रिएक्ट करते हुए क्यारा आडवाणी ने भी रिप्लाई में लिखे अपने स्टोरी में लगाई कि थैंक यू लेडी लाइगर। शाहिद कपूर भी ये फोटो लगाते हुए लिखे कि हैप्पी बर्थडे प्रीति आडवाणी, जिस पर रिएक्ट करते हुए क्यारा आडवाणी लिखी कबीर दिल वाला इमोजीज। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिलहाल विदा लेता हूँ।